हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं तृप्ति आज इस रिपोर्ट में लेकर आई हूं आपके लिए ये खास खबर रानी मुखर्जी के स्टेटमेंट को लेकर। जी हां, रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को लेकर रिसेंटली कुछ ऐसा कहा जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही इनके रिश्ते की चर्चाएँ हुई हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि रानी मुखर्जी प्रीति जिंटा की एक आदत से काफ़ी परेशान रही हैं और इस कारण रानी और प्रीति के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं इस पर सवाल भी खड़े हुए हैं। तो रानी और प्रीति जिंटा के रिश्ते पर बात करते हुए आपको ये बताते हैं कैसे रानी ने प्रीति जिंटा को अपना घमंड दिखाया, या यूं कह लीजिए कि प्रीति जिंटा को एम्बेरस कर दिया, उन्हें स्लैम किया है उनके बातूनी होने को लेकर। रानी को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। रानी और प्रीति ने कुछ फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर किया है, सबको पता ही है, लेकिन दोनों के बीच असल जिंदगी में कैसी बॉन्डिंग है लोग जानना चाहते हैं। तो ये आप सबको बता दें, हमारी इस रिपोर्ट में एक बार एक स्टेटमेंट दिया था रानी मुखर्जी ने प्रीति जिंटा को लेकर। दोनों ने कल हो ना हो फिल्म में काम करने को लेकर बात की थी, एक्सपीरियंस साझा किया था। इसके अलावा रानी मुखर्जी ने प्रीति के बारे में जो कहा आपको ये बता दें। उन्होंने कहा, मुझे लगता है प्रीति बहुत ज़्यादा बातें करती है, उन्हें कम बात करनी चाहिए। यही एक चीज़ है जो मैं उनसे कहना चाहूँगी। मैं इस पूरे शो में, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आने वाले शो पर भी वो बात करने से पीछे नहीं रही, बेझिझक प्रीति के इस व्यवहार के बारे में बात कर कही कि हर चीज़ को लेकर उनके विचार रहे हैं, उन्हें इस चीज़ पर सुधार करना चाहिए, उनकी बहुत बुरी आदत है ये। प्रीति जिंटा को लेकर रानी ने कहा। नेक्स्ट नाइन लाइव से रिपोर्ट।